kick to his feet, and then you can pull the feet outside. So feet go, pull the out. Okay, and then A4, aim at the base of fire. ये फायर गाड़ी आ चुकी है, फायर ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे, फायर ट्रेनिंग में तो फायर ट्रेनिंग आ चुकी है। आपको सुरक्षित रखना है, दौरान ब्लैंकेट को सही तरीके से पकड़ना है, और उसको जो भी जिसमें भी फायर लगी हुई है उस कंटेनर को आपको पूरा कंटेन करना पड़ेगा कि उसको ऑक्सीजन ना मिल सके। और आज बुझे तो पार्टिसिपेटिंग इन द फायर ड्रिल आप अपने आप सायरन शुरू हो जाए। ठीक, सायरन शुरू होने पे फिर ऑटोमेटिकली फायर वार्डन, फ्लोर फायर वार्डन ऑटोमेटिकली एक्शन में आ जाए अपने आप। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, नोटिस देने की जरूरत। तो जब भी आप ऐसी फायर देखते हैं तो आपको अगर ओपन एरिया में फायर दिखती है तो आप एयर डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। ठीक है, कि एयर किस तरफ से जा रही है, उसके अपोजिट में जाके आपको हमेशा फायर फाइटिंग करनी होती है। तो भी आपके पास सबसे पहले हम जब भी फायर इनिशियल स्टेज शुरुआती तौर पर होती है तो हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुझाते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए मैंने आपको एनीबडी वांट टू ऑपरेट? आप लोग उस तरफ घुमाएगा पिक्चर, अगर कोई ऑपरेट करना चाहते हो तो प्लीज कम फॉरवर्ड। एक बार समझ लीजिए, कभी भी ओपन में, कभी भी खुले में फायर हो तो आपको हमेशा कौन से डायरेक्शन से अटैक करना फायर को? अपोजिट, अपोजिट साइड। हवा चल रही है उस साइड खड़ा रहना है। अभी जैसे इन्होंने स्टार्ट किया था तो यहाँ खड़े हुए, राइट? हमेशा याद रखिए ओपन में फायर है वो उस साइड में खड़े रहना जिधर से हवा चल रही है। कन्फाइंड एरिया में जहाँ हवा का मूवमेंट नहीं है वहाँ आप दूसरे डायरेक्शन में अटैक करना। अटैक करने का अभी आपने देखा, अभी आपने देखा लोग यूज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जेट लेंथ से करनी है, दूरी से करनी है। जैसे जैसे आपका कंट्रोल बढ़ता जाता है आप नजदीक होते जाते हैं। ये मैकेनिकल फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर है, बेसिकली ऑयल फायर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको ऐसी कागज दिखने वाली फायर के लिए भी आप बुझा सकते हैं।